Assalamu alaikum ladies, welcome back to my channel. Hope you people are well. इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो वो मेरा बेडरूम है जिसको मैं हमेशा क्लीन करके दिखाती हूँ, बट राइट नाउ इट इज़ टोटली मेस्ड अप एंड डिज़ास्टर. एक्चुअली वी आर गोइंग ऑन वेकेशंस राइट आफ्टर ईद, तो मैं ईद की भी तैयारी में हूँ और इस वक्त मेरी पैकिंग भी चल रही है साथ साथ. और एज यू कैन सी यहाँ पर ईद के और सबके कपड़े वपड़े भी प्रेस होके रखे हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त मेस्ड अप हैं. यू कैन सी बैग्स, ऑल बैग्स एंड बैग्स एंड बैग्स हियर. यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कुछ वो पेंटिंग का सामान है जो वो पेंटिंग वगैरह करते हैं एज अ हैबिट, तो और एज अ फ्री टाइम में जब फ्री होते हैं तो वो करते हैं पेंटिंग, उनका शौक है ये करना. सो उनकी वो चीज़ें यहाँ पर हैं जो मुझे वापस कबर्ड में लगानी है ताकि मैं अपने कमरे को क्लीन कर सकूँ. तो ये हाल है फिलहाल, पूरा घर मैं साफ़ कर चुकी हूँ लेकिन ऑब्वियसली यहाँ बैठ के पैकिंग होती है बैग्स की, तो इसलिए जो है वो ये कमरा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है. तो इस वक्त जिप लॉक बैग्स, बैग्स, लगेज, हैंड कैरीज और ये सब चीज़ें जो है वो बिखरी हुई हैं, तो मुझे इस कमरे को करना है साफ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी इसके बाद मैं इसका क्या हुलिया करती हूँ. तो अभी मुझे एक बहुत ही काफ़ी सारा टाइम लगेगा इस सबको साफ़ करने में और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके अकॉर्डिंग टू ईद और अकॉर्डिंग टू योर वेकेशन. सबके ड्रेसेस मुझे पहले से तैयार करके रखने हैं, जो यहाँ पर ड्रेसेस लटके हुए हैं वो मेरे हस्बैंड के हैं जो कि हम वेकेशन में जब जाएंगे तो उस वक्त के कपड़े हैं जो यहाँ रखे हैं, तो इसको भी ऑर्गेनाइज करना है, सेट करके कॉर्नर पर रखना है. ईद के कपड़ों को प्रॉपर हैंग करके रखना है ताकि प्रेस ख़राब ना हो, उसको जगह पे रखना है. तो हर चीज़ एक के बाद एक होनी है, तो लॉट ऑफ वर्क. सो एज यू कैन सी कि कबर्ड जो हमेशा साफ़ सुथरी रहती है वो भी बिखर चुकी है, साइड टेबल सारे बिखर चुके हैं, हर चीज़ डिज़ास्टर है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ, देन आई विल कम बैक एंड विल शो यू कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया. लगेज से रिलेटेड वीडियो मैं नेक्स्ट में शो करूँगी, बट राइट नाउ जो कमरे का हाल है पहले मैं उसको दुरुस्त कर लूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छी वाली फीलिंग आए, बिकॉज के कल या परसों ईद हो सकती है, तो ऑब्वियसली रूम आपका बेहतर होना चाहिए, अदरवाइज तो कुछ समझ में नहीं आएगा ईद वाले दिन. अब फॉरन ईद के बाद आपको बाहर ट्रैवल करना हो तो कुछ भी जगह पे नहीं मिलेगा, तो लेट्स ऑर्गेनाइज इट. ओके, तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ यहाँ से. ये मेरे हस्बैंड की एक वार्डरोब है जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग का सारा सामान रखते हैं. तो अभी मैंने बहुत दिनों से इसको नहीं देखा और ये बिल्कुल ही टोटली बिखर चुकी है. इसके ड्रॉअर्स में हस्बैंड को जो समझ में आया उन्होंने डाल दिया है और इसमें कुछ ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ें वैसे लेके जानी है ये वो मैंने यहाँ रख दी थी, तो मैं अभी इसको क्लीन करती हूँ, इसकी चीज़ें इसकी जगह पर रखती हूँ और फिर दिखाती हूँ. ओके, सो अब आते हैं इस कॉर्नर पे. मैं इस कॉर्नर पे से सारी चीज़ें उतार चुकी हूँ जो जो चीज़ें यहाँ पर थी. इस कॉर्नर को मैंने कर दिया है क्लीन, यहाँ से डस्टबिन क्लीन हो चुका है और यहाँ ये बाथरूम बॉक्स जो है वो यहीं रहती है हमारी, तो ये मैं इस डोर के पीछे रखूँगी ताकि ईजीली आप यहाँ से जाते हुए इसको यूज़ कर सकें. एंड इस वाले कॉर्नर पे मैं वो कपड़े हैंग करूँगी जो मेरे ईद के हैं हम सब के इस कमरे में, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है रूम शेयर करता है, तो इस रूम के अंदर मैं तीन लोगों के कपड़े ईद के हैंग कर दूँगी. और उसके बैक साइड पे मैं हैंग करूँगी जो कि वेकेशन पे जिस दिन जाना है, तो फ्लाइट के ऊपर जो हमने कपड़े पहने हैं वो मैं हैंग करूँगी यहाँ पर. तो लेट मी अरेंज इट. Okay, so finally my bedroom is looking right now like this. It took 1.5 hours to clean all this messed up room and now this is totally clean. Kafi bhagam dodi karni padi roze mein, but Allah ka shukar hai ki ho gaya. And I just clean up my floor, my bed, my other accessories. सारी डस्टिंग हुई है, सारी दीवारें, पर्दे, सब कुछ मैंने झाड़े हैं. अगर कल ईद हो जाती है तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ जो है वो क्लियर है और साफ़ सुथरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से. इसको मैंने क्लीन किया है अपनी ट्रॉली को
और इसमें सारी चीज़ें डस्टिंग करके ऑर्गेनाइज़ की हैं। एज़ यू कैन सी, ये जो है एक मसाजर है, इसके ऊपर मैं वीडियो करूँगी एंड आई डेफिनेटली लेट यू नो कि हाउ इट वर्क्स। इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। ये पूरा एक मैट्रिक्स की तरह बिछ जाता है और इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी है, इलेक्ट्रिक से चलता है एंड इट्स अ वेरी गुड मसाजर। तो और इसी की साइड पे मैंने, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ही मेरी सारी वो चीज़ें जो कि मसाजर से रिलेटेड हैं। तो रिलैक्स होने के लिए यू नो इट्स दीज इक्विपमेंट्स आर रियली वेरी गुड। तो मैंने इसको सामने ही रखा है एंड कैंडल्स चलाई हैं। इसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेवेंडर की। सो ज़रा रूम को थोड़ा रिफ्रेशिंग करने के लिए मैंने कैंडल चलाई है और साथ में एक और रूम रिफ्रेश करने के लिए और एक चीज़ है जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द बॉक्स ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स एक्चुअली, जो हम लोग ट्रैवलिंग में हमेशा यूज़ करते हैं। इसमें सारी मेडिसिन होती हैं क्योंकि डेफिनेटली आप बाहर कहीं जा रहे हो तो आपको बच्चों के साथ इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये बॉक्स मुझे आई थिंक मैंने नाहिद से ही लिया था शायद। तो वेरी गुड। और इसमें सारी जो रूटीन की हमारी होती है कि खुदा ना खास्ता बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एनीथिंग हो जाए तो उसके लिए इसमें सारी चीज़ें, पेन किलर्स, वो सब चीज़ें होंगी जो अभी लगेज में जाएगा। और लगेज के जो हाल आप देख चुके थे पहले, अब वो सब ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। मैंने सारे बैग साफ़ किए हैं, उस पर डस्टिंग भी की है क्योंकि डस्ट आ गई थी थोड़ी सी। ये हैंड कैरी वाले सारे बैग्स हैं बच्चों के, ईच बैग्स फॉर ईच चाइल्ड। ये शॉपर में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बैग में डालनी है तो मैंने इसको एक तरफ ऑर्गेनाइज कर दिया है। सो दीज ऑल आर प्रेटी मच क्लियर नाउ एंड नाउ मूव ऑन टू दिस। इसमें भी जो सारे लगेज थे वो मैंने डस्टिंग करके सारे साफ सुथरे कर दिए हैं। ये टैग्स हैं जो कि हम लगेज के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे ये बंधा हुआ है इस टाइम पर। सो आई बॉट इट फ्रॉम सिंगापुर व्हेन आई विजिटेड देयर। तो दिस इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर नेम आप अपना प्लेस कर सकते हैं किसी पेपर के थ्रू या कोई कार्ड के थ्रू। और तो इस तरह के अभी मेरे पास पुराने जो हैं वो इसके लिए नहीं रहे थे तो मैंने अभी नए निकाले। दिस दिस एंड दिस वन, आई थिंक दिस इज आइसक्रीम। कीप काम एंड मूव। ओके, तो ये सामने रख दिया है। हस्बैंड का बैग, मेरे बेटे का शू है जो यहीं पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहीं पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं वेकेशन से रिलेटेड, तो यहीं रखा है मैंने कि बच्चों के कमरे में तो बच्चे खो देंगे हर चीज़। ओके, सो दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल जो कि पहले बहुत ही, आपने देखा ये मेस्ड अप था, बट अब जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो चुका है। मैंने सारी डस्टिंग की है, सारे फ्लावर्स को वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई करके फिर मैंने इसको हैंग किया है। और उसके बाद मैंने ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं किए चीज़ें, कि मैं ड्रॉर्स और साथ में कबर्ड्स भी करती, इतना टाइम नहीं था, बट सामने से सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। ये मेरी बेटी का एक हेयर बैंड है जो कि वो डिज्नीलैंड लेकर जाएगी इंशाल्लाह। सो ये हो गया मेरा ड्रेसिंग टेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हाइल सीइंग दिस बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं ड्रेसिंग टेबल जो मेस्ड अप हुए हुए होते हैं, तो आई लाइक इट। एंड ये कॉर्नर मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ अभी। सो ये हो गया एंड मूव ऑन टू दिस बेड। बेड बनाने का यू नो इट्स मुझे अच्छा लगता है कि हर वक्त बेड क्लीन रहे, साफ सुथरा एंड रिंकल फ्री एंड दैट्स इट। सो मैंने इसको जो है वो प्रॉपर कर दिया है सेट। नेक्स्ट गोइंग टू दिस कॉर्नर विच आई टोल्ड यू। सो इस कॉर्नर पे चीज़ें बहुत बेस्ट अप थी, मैं दिखा चुकी हूँ पहले भी। ये कबर्ड भी बहुत ज़्यादा मेस्ड अप थी ऊपर से, उसको भी मैंने सारे अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें थी वो उठा के रख दी हैं और बाकी चीज़ों को सेट कर दिया है। बाथिंग रोब भी यहीं पर है एंड यहाँ पर ईद के कपड़े, अगर कल ईद हो गई तो ईद के कपड़े हैं, और अगर कल जुमातुल विदा हुआ इंशाल्लाह तो वो भी मेरे हस्बैंड के कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं। ईद के मेरे छोटे बेटे के कपड़े यहाँ मौजूद हैं। फिर वेरी नेक्स्ट डे हमको जाना है तो उसकी जो कपड़े हैं सारे हस्बैंड के, मेरे मेरे बेटे के, वो सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। द फ्लोर इज़ प्रीटी मच क्लियर नाउ बिकॉज मैं सारा कुछ साफ सुथरा कर चुकी हूँ। एंड यहाँ पर साइड टेबल मेरा बिल्कुल क्लीन है, ये मेरा साइड है तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे जला के रखना बड़ा पसंद है। सो दिस ऑल आर क्लीन। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया कि अगर ईद से पहले आप लोगों को अपना रूम क्लियर करना है, क्लीन करना है, तो हाउ टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, एंड इट शुड बी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बिफोर ईद. एंड अगर आप जा रहे हैं वेकेशंस पे तो ऑब्वियसली घर मेस्ड अप हो जाता है, बट ईद से पहले आपका घर या रूम एग्जैक्टली साफ होना चाहिए, विच हेल्प्स यू अलॉट टू बी रिलैक्स बिफोर ईद एंड बिफोर वेकेशंस. सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट. एंड मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, एंड टू यू एंड टू योर फैमिली एज वेल. अच्छे से ईद गुजारिए, हेल्दी तरीके से ईद गुजारिए और खुश रहिए. एंड नेक्स्ट वीडियोस की मैं कोशिश करूँगी कि जाने से पहले कुछ वीडियोस मेरे पास हैं और तो मैं उसको अपलोड कर दूँ. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Stay blessed and Allah Hafiz.